कहाँ जाए ये दिल, कहाँ जाए ये दिल। बहनों ने इस घर में किसी से नजरें मिलाने के काबिल छोड़ा है मुझे? अपने घर जा रही हूँ और दुआ करो कि अल्लाह के पास ही चली जाऊं। अम्मी, इतना अच्छा लड़का है हायसम, पता नहीं तुमने क्या देख लिया जो इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया उस पर। और वो भी अपनी बहन के नाम के साथ। एक बात याद रखना, अगर हायसम और फरहत ने तुम्हें माफ नहीं किया ना, तो मैं भी सारी जिंदगी तुम्हें माफ नहीं करूंगी। कहाँ जा रहे हैं आप दोनों भाभी? अपने घर जा रही हूँ फरहत। आप कहीं नहीं जा रहे हुमायमा, सामान लेकर अंदर जाओ। बच्चों की गलतियों का कसूरवार अपने आप को क्यों ठहरा रही हैं? और अगर आप सिचुएशन को इस तरह हैंडल करेंगी तो बच्चों से अकलमंदी की तवक्को कैसे की जा सकती है? देखा, तुम्हारे बिला वजह के शक ने आज तुम्हारी माँ का सर सबके सामने झुका दिया। वो मुझे माफ कर दे अंकल, आप भी मुझे माफ कर दे, आप सब मुझे माफ कर दे, आप मुझे माफ नहीं करेंगे ना? मम्मी मुझे कभी भी माफ नहीं करेंगी। बस गलतियों की माफी नहीं होती। हमने तुम्हें इस घर में बहू का नहीं बेटी का दर्जा दिया था और तुमने मेरे उस बेटे का सर शर्म से झुका दिया जिसने तुम्हारी हर छोटी बड़ी गलती को माफ करके प्यार से तुम्हें अपनाया था। अम्मी, मुझे माफ कर दे प्लीज। अम्मी मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। आज से जाके माफी मांगो। अगर वो तुम्हारी गलती भूल जाता है तो फिर शायद हम सब भी तुम्हें माफ कर देंगे, वरना तुम
काफिल हुआ है तुम, क्या मेरी शक्ल भी ना देखे। अब तो मुझसे बहुत मोहब्बत करते ना है तुम, आपको उस मोहब्बत का वास्ता है, प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। मोहब्बत करता था तभी तुम्हारी इतनी सारी बातें जानते हुए भी कभी तुमसे कुछ नहीं कहा। तुम्हारे लिए आए वो फोन, वो गिफ्ट्स, वो खत, सब कुछ नजरअंदाज कर दिए मैं, क्योंकि मैं जानता था कि तुम ऐसी नहीं। लेकिन तुमने तो शक की सारी हदूद पार कर दी। अरे अपनी बहन पे शक किया तुमने। इसम, मैं उससे माफी मांग लूंगी। चली जाओ यहां से, ऐसा ना हो कि मैं हाथ से बढ़ जाऊं और बाद में हम दोनों को पछताना पड़े। मैं चली जाऊंगी इसम, लेकिन प्लीज प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिएगा, मुझे इतनी बड़ी सजा मत दे, प्लीज इसम। मैं तो बहुत बुरा हूं ना, फिर हमारे अलग होने के ख्याल से इतना परेशान क्यों हो रही हो तुम? अजब है ये रिश्ते, अजब है ये नाते, रेशम जैसे उलझे हो धागे, क्या सोच कर इन लबों को सिया है, जहर कतरा कतरा नजर ने दिया है, दामन छुड़ाना बचाना है मुश्किल, वरना हटाने से क्या होगा हासिल, ऐसे में तू ही बता देना मोरा, तू ही बता दे कहाँ जाए दिल, कहाँ जाए ये दिल, कहाँ जाए ये दिल, क्या कर रही हो? अपने अंदर झुकाव पैदा कर रही हूँ ऐसा। ये करने मुझे कहीं कभी नहीं छोड़ा। तुमसे किसने कहा कि मियाँ की चप्पलें उठाने से बीवी की अकड़ खत्म हो जाती है? मैं अपने आप को तब्दील करना चाहती हूँ ऐसा। तो फिर वादा करो कि आईना मुझ पे कभी शक नहीं करोगी। नहीं करूंगी। कैसे ले लेंगे मेरा नाम? देखो ये जाली निकाह नामा बनाना इतना बड़ा काम नहीं था, लेकिन उसके इतने पैसे लिए तुम लोगों ने मुझसे। अब मेरा नाम नहीं आना चाहिए, मैं तुमसे कह रहा हूँ मेरा नाम नहीं आना चाहिए, बात पहले भी तय हो गई थी। हाय पूछूं? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरा घर है यहाँ पर, ऑफिस है, और अगर पुलिस इनमें से किसी भी जगह पर पहुंच गई तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, तबाह हो जाऊंगा। हेलो हेलो, क्या है ये? किससे बात कर रहे थे? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मेरी जासूसी मत किया करो, दबा हो जाओ यहां से, चलो। किसका जाली निकालना बनवा रहे थे बताएं मुझे? मेरा दिमाग मत खराब करो, जाओ दबा हो जाओ यहां से। मुझे इस तरह पागल औरत, मैंने पूछा बताएं मुझे। अब
तुम्हारी इतनी जुर्रत, तुम्हारी इतनी औकात कि तुम मेरा रास्ता रोकोगी? हाँ, कितनी बार समझाऊं तुम्हें कि जिसमें तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है उस मामले से दूर रहा करो। इस बार नहीं बासिर, इस बार बताना पड़ेगा आपको किसकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं आप। क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ, किसकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं? इस बार कौन सी घटिया चाल चल रहे हैं? क्यों कर रहे हैं ये सब? मैं हूं ना, मुझे मारे, मुझे मारे, मारे मुझे, मुझसे नफरत करे लेकिन उसका पीछा छोड़ दे, छोड़ दे उसका पीछा। मैं कैसे कहूँ उसका पीछा छोड़ दे? सोफिया, आखिरी बार वार्न कर रहा हूं तुम्हें, मेरा दिमाग मजीद मत खराब करो, वरना इस बार मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। मैं तुमसे कह रहा हूं। क्यों ले लेंगे मेरी जान? हाँ, क्यों ले लेंगे मेरी जान? क्या किया मैंने? मेरा क्या कसूर है जो ये सब कुछ बर्दाश्त करूं मैं? कसूर तुम्हारा नहीं, मेरा है। मेरा कसूर है जो मैंने तुम जैसी औरत से शादी की। मुझे चाहिए था मैं खाला को मना कर देता, सबके सामने कह देता कि मुझे सोफिया से नहीं मशल से शादी करनी, मैं उससे मोहब्बत करता हूं। शुक्रिया बेटा। इस कदर हैरान मत हो, मंजर बदल भी जाते, बिल्कुल उस तरह हो जाते हैं जिस तरह हम देखना चाहते हैं। अल्लाह का शुक्र है, हमेशा खुश रहो बेटा, आबाद रहो। तुम पर हाथ उठा लिया मैंने आज, चोट ज्यादा लग रही है, डॉक्टर पे चलते हैं। मुझे कहां जाना है कहां नहीं ये मैं तय करूंगी। मुझे यहां वापस नहीं आना ये मैं तय कर चुकी हूं। देखो सोफिया, मियां बीवी एक दूसरे का पर्दा होते हैं। अगर मेरे दिल की बात सुभान पर आई गई तुम्हें यूं इसका इश्तेहार नहीं बनाना चाहिए। मैं
वो पर्दा इज्जत की हिफाजत के लिए होता है वासिफ। मैं अपनी बहन की इज्जत बेचकर तुम्हारा पर्दा नहीं रख सकती। या तो मुझे यहां से जाने दो या जमीन में गाड़ दो, क्योंकि अब तुम्हारा ये ढोंग चलने वाला नहीं। तुम देख लो, मैं तुमसे आराम से बात कर रहा हूं, लेकिन तुम मुझे मजबूर कर रही हो कि मैं अपनी आवाज ऊंची कर लूं। हाँ, यही चाहती हूं मैं, यही चाहती हूं कि तुम ऊंचा बोलो। बोलो, जितना ऊंचा बोल सकते हो बोलो, तुम्हें उतना ही नीचे गिर के दिखाऊंगी जितना तुम गिर चुके हो। मुझे लगा था आयशा के बाद तुम्हारी मुर्दा गैरत जाग जाएगी, लेकिन नहीं, तुमने तो ना दूसरे की बेटी की इज्जत रखी, अपनी बेटी की हया। तुमने आज तक जो कुछ भी मेरे साथ किया, चुपचाप सहती रही मैं, लेकिन अपनी बेटी को तुम जैसे इंसान के साथ पलता बढ़ता नहीं देख सकती मैं। मम्मी कहती है आयशा मिशी जैसी दिखती है, अगर ये सच हुआ तो कहां जाऊंगी मैं वहां से। फ्रेम से आउट हो रहा है, दिखा। देखो कितनी बुरी पिक्चर खींची है तुमने, दोबारा लो और थोड़ा टिल्ट करो कैमरे को। तुम अच्छी नहीं आई हो ना, इसलिए। मैं अच्छी आई हूँ, तुम अच्छी नहीं, बस कर। अच्छा मामा चुप करो, अच्छा हंस भी लो बस। रुको, आप पिक्चर खींचो। अम्मी, सोफिया, क्या हुआ मेरी बच्ची? सोफिया, क्या हुआ है मेरी जान? आपी, सोफिया क्या हुआ? क्या हुआ? आपी, देखो तो आज समझते तो किसी ने मारा, कितने निशान है इसके चेहरे पे। सोफिया बताओ क्या हुआ? मेरी जान, बताओ ना मेरी जान क्या हुआ है, मुझे बताओ। Oh,
सुबिया क्या हो गया मेरी जान, बताओ ना मुझे क्या हुआ है। याँ मेरे पास आ जाओ, यहाँ बैठो बैठो। क्या हुआ बेटा, कुछ बताओ तो सही ना मुझे। बर्बाद हो गई, मैं बर्बाद हो गई अभी। कुछ नहीं रहा मेरे पास, कुछ नहीं रहा। सुबिया क्या हुआ है मेरी जान, बासु मुझसे मोहब्बत नहीं करते अम्मी। मैंने मुझसे शादी भी मजबूरी में की थी। किसी और से मोहब्बत करते हो। ये क्या कह रही हो सुबिया, किससे मोहब्बत करता है? विशी से। विशी से मोहब्बत कर। उन्होंने मुझसे शादी भी इसलिए की कि विशी के करीब रह सके। उमायमा और हाइसम का नकली निकाहनामा बनवा रहे थे। ताकि हाइसम मिशी को तलाक दे दे और वो मिशी से उसने मुझे खुद बताया अम्मी, खुद बताया उसने मुझे कि नहीं आ रहा था मुझे। उसकी आंखों में मैंने मिशी के लिए मोहब्बत देखी है। नहीं, इससे आगे एक लफ्ज भी मत कहना। अगर ऐसा है नहीं ना तो किसी से कुछ नहीं कहना बेटे, किसी से कुछ नहीं कहना। मैं नहीं, किसी को पता चल गया तो बेटा मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। नहीं, हम सबको ये कह देंगे कि वो बेटी हुई है ना घर में, तो इस वजह से बासिल नाराज हो गया और उसने तुम्हें घर से निकाल दिया। इसके अलावा कुछ नहीं किया ना मेरी जान। क्यों, आप ये क्यों कहेंगी? उस मासूम को वजह क्यों बनाएंगी आप? आप ही बिल्कुल ठीक कह रही हो अम्मी, वो शख्स है ही घटिया। अपनी शादी के कुछ दिन बाद ही उसने अपनी असलियत खोल के रख दी थी मेरे सामने, लेकिन सिर्फ आपकी वजह से अम्मी, सिर्फ आपकी वजह से और आप ही का घर बचाने के लिए मैं चुप रही। मैंने किसी को भी कुछ नहीं बोला। आपको याद है मैं उस दिन घर में अकेली थी, मैं डरी नहीं थी। क्यों नहीं सुन रही हो तुम मेरी बात? कैसे समझाऊं तुम्हें कितनी मुश्किल से सेटिंग की है मैंने ये? क्या मतलब है आपका? कौन सी सेटिंग? कि मैं अपने दिल की बात तुम्हारे सामने रख सकूं, खोल के बता सकूं कि मेरे दिल में क्या है। और सुमिया, उनका क्या कसूर है? मैं छोड़ दूंगा, वो तो मुझे वैसे ही पसंद नहीं है। आपकी बातों से नफरत हो रही है। अगर तुमने मुझे ठुकरा भी दिया है तो भी मैं उसको छोड़ ही दूंगा। तो छोड़ दे उसे। आप नहीं इस कपड़े की मेरी बहन आपके साथ रहे। तुम मुझे इस तरह ठुकरा नहीं सकती हो, और वो भी उस हाइसम की खातिर। जहर लगता है वो मुझे, जहर। तुम सिर्फ मेरी हो और मैं तो तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, किसी भी हद तक जा सकता हूँ, यहाँ तक कि तुम्हें बदनाम भी कर सकता हूँ। बस कर दो, बस कर दो, इससे आगे एक लफ्ज भी मत कहना।
मुझ में कुछ और सुनने की हिम्मत नहीं है। नहीं नहीं बेटा, अम्मी अब बस, अब मैं खामोश नहीं रहूंगी। मैंने एक बार खामोश रह के अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है, अब मैं उस शख्स के लिए खामोश नहीं रहूंगी। और आपको भी कुछ बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, इसमें कोई आपकी गलती नहीं और नहीं मेरी। वो शख्स घटिया है और ये बात मैं सबको बताऊंगी, हाइसम को भी बताऊंगी, सबको बताऊंगी। अब मैं चुप नहीं रहूंगी, मैं ये बात सबको बताऊंगी। मिशी सुनो मेरी बात, नहीं बताऊं प्लीज। या अल्लाह हंगिस की नजर लग गई मेरे घर को, मेरी बच्चियों को, मैं क्या करूं। बेटा जाके देखो ना नीचे, आखिर हुआ क्या है। मामा वो लोग बात कर रहे हैं, आ जाएंगे अभी ऊपर। आप आइए, आप बैठिए तो सही। इतना मारा है उसको उसने। हाइसम, मिशी मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात है। बासल भाई, बासल भाई ने ठीक नहीं किया। देखा तुमने, देखा ये इस तरह बिहेव करती है मेरे से, बिल्कुल भी मेरा ख्याल नहीं रखती है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। तुम आ गई हो ना यहाँ पर, तो तुम समझाना है इसे। कुछ बता दूं लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। शादी के कुछ दिनों बाद ही अपनी असलियत जाहिर कर दी थी। उन्होंने मुझसे कहा कि वो मुझसे मोहब्बत करते। मैंने बहुत कोशिश की कि किसी को ना पता चले नहीं। मैं क्या करती हूँ, मैं उनका घर नहीं बर्बाद होता देख सकती थी। ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स उनकी वजह से हुई थी। उन्होंने मेरा घर बर्बाद करने की हर मुमकिन कोशिश की है। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। आयशा मिशी जैसी दिखती है, फिर ये सच हुआ तो कहाँ जाऊंगी मैं वहां से। तो आखिर आज ड्रॉप सीन हो ही गया उस ड्रामे का जो तुमने प्ले किया। क्या तुम्हें अंदाजा था कि बाजी पलट भी सकती है? क्या तुम्हें अंदाजा था कि शिकस्त तुम्हें हो सकती है? नहीं ना,
इसलिए बासिल कि तुमने कभी मेरी आवाज पर ध्यान ही नहीं दिया। मेरी आवाज, अपने हमजाद की आवाज, अपने जमीर की आवाज। सुना करो अपने अंदर की आवाज को, ये अगर जीतने में मदद नहीं देगी ना तो ऐसी जिल्लत आमेज शिकस्त से भी दो चार नहीं करेगी, कभी खाली हाथ नहीं छोड़ेगी। सुना करो अपने अंदर की आवाज को, और अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊं, क्योंकि तुम्हारे साथ कोई नहीं रहा बासिल, तुम अकेले रह गए हो, खाली हाथ रह गए हो, और तुम इसी काबिल हो कि तुम अकेले रहो। हां बासिल, हां मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं, तुम्हारा आखिरी सहारा। मैं भी तुम जैसे घटिया शख्स के साथ नहीं रह सकता। अपना ख्याल रखना, खुदा हाफिज। कमर्शियल सुबह मुझे छोड़कर चली गई है, खुद छोड़कर गई है वो, मुझे सारे ताल्लुक तोड़ गई है। प्लीज अब तुम आ जाओ ना मेरे पास, बस कर दो। तुम अपनी बकवास बंद करो और मेरी बात गौर से सुनो। मैंने अर्जुन को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया और वो आ रहे हैं तुम्हारे पास। तुम्हारी भलाई इसी में है कि दफा हो जाओ अपने घर से कहीं, छोड़ेंगे नहीं तुम्हें, जान ले लेंगे तुम्हारी। कैसे जाने के लिए कह रही हो मुझे मशल? जिस शख्स ने तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी उसे, जिस शख्स ने तुम्हारे लिए अपना घर बार सब छोड़ दिया उसे जाने के लिए कह रही हो? तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही बात से? तुम क्यों नहीं समझ रहे हो इस चीज के सब कुछ तमाम हो चुका है, सब खत्म हो चुका है। तुम्हें बुला ना मास्टर, तुमने सब कुछ तबाह कर दिया है। और क्या चाहते हो तुम? छोड़ दो मेरा पीछा, चले जाओ मेरी जिंदगी से। ठीक है चला जाता हूं मैं, लेकिन मेरी एक शर्त मान लो। क्या एक बार नहीं कह सकती कि तुम भी मुझे इतना ही चाहती हो जितना मैं तुम्हें चाहता हूँ? नफरत करती हूँ मैं तुमसे, और मैं मर जाऊंगी लेकिन तुमसे मोहब्बत ना करूंगी, और नहीं करती थी। एक बार रेवल के आखिरी बार कह दो तुम के तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, मेरी आखिरी ख्वाहिश समझ के ही कह दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ मशल, तुम एक बार ये कह दोगी ना, मैं तुम्हारी जिंदगी से दूर चला जाऊंगा, बहुत दूर चला जाऊंगा, वापस कभी नहीं आऊंगा। पैर पड़ता हूँ तुम्हारे मशल, पैर पड़ता हूँ, एक बार कह दो मशल, प्लीज एक बार कह दो। बहुत घटिया इंसान हो तुम, इतने घटिया के तुम्हें तो मौत भी कबूल नहीं करेगी। और तुम चाहते हो कि तुमसे कोई इंसान मोहब्बत करे? तुम दफा हो जाओ कहीं, मर जाओ तुम क्यों नहीं मरते हो? मर जाओ तुम। अजब है ये रिश्ते, अजब है ये नाते, रेशम जैसे उलझे हो धागे।
सोच कर इन लबों को सिया है, जहर कतरा कतरा नजर में।